नमस्कार दोस्तों, आज है 12 मार्च और आज का जो टॉपिक है आज के वीडियो का वो है गज़ानिया। तो मेरी बिल्कुल पुरानी सब्सक्राइबर हैं और वो रेगुलर वीडियो मेरे देखती हैं, तो आज मैं बस उन्हीं की ही क्वेरी पे ये वीडियो बना रही हूँ। और जैसे कि उन्होंने बोला कि उनके गज़ानिया के जो फ्लावर्स हैं उनका साइज़ छोटा हो रहा है, ठीक है। तो रतन दीपा जी, ये वीडियो आपके लिए है। तो क्या देखिए, बाकी जो केयर होती है सिंपली वही है। गज़ानिया को देखिए, धूप बहुत पसंद है, सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब सनलाइट इतनी पसंद है ना कि आप ये समझो कि अगर बादल भी हो जाएंगे ना, क्लाउडी वेदर हो जाएगा तो भी, तो ये फूल अपने आप ऐसे ही बंद हो जाते हैं और जैसे धूप निकलेगी ना ये पूरा खिल जाएगा। तो इसको धूप तो देखो बहुत पसंद है, लेकिन अब जैसे कि अब जैसे मार्च वाला जो टाइम है ना, धीरे धीरे करके धूप तेज होने लगेगी, तो आप थोड़ा सा इस प्लांट को 5-6 घंटे की ही सनलाइट में रखिए, बहुत ज़्यादा सनलाइट में मत रखिए। हालांकि ये चल रहा है अभी, जैसे मैंने जहाँ रखा हुआ है ना इस समय यहाँ पे करीब 2-3 बजे तक धूप आती है, मतलब 1-2 बजे तक इस तरह से धूप आती है इस जगह पे, तो सनलाइट में ज़रूर रखिए। दूसरी बात यह है कि मैंने अब कई बार कई और वीडियोस में भी बताया है कि जितने भी फूल वो हो जाते हैं ना, फेड हो जाते हैं, जिनके जो मुरझा जाते हैं उनको आप बिल्कुल तोड़ दीजिए, उनकी डेड हेडिंग ज़रूर करिए। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कई कितने फूल ये निकले हुए हैं, सब ये गज़ानिया के ही हैं। ये सब मैंने, वैसे तो मैंने साइड में ही यहीं पे रख दिया था, और क्या था कि खूब सारे यहीं पे वो निकल आए थे, तो यहीं पे ना मैंने बहुत सारे डाल दिए थे जो सूख, ऐसे देखो ये इधर भी मैंने डाल रखे हैं और भी होगा इधर इधर कहीं। तो क्या हुआ था कि कुछ तो जर्मिनेट भी हो गए थे, लेकिन क्या हुआ कि जैसे मैं वो मैंने जो फर्टिलाइज़र दिया, फर्टिलाइज़र का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मस्टर्ड केक का बनाया था, बस वही दिया, लिक्विड ही दिया है और कुछ दिया नहीं है। तो एक बार वो दिया था, एक बार कंपोस्टी, यही दिया है, इसके अलावा और कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया। और तो जब भी कोई हम इस तरह से छोटी छोटी कोई जर्मिनेशन हो रहा है, कोई चीज़ निकली है और उसी पे हम खाद डाल देंगे ना, तो वो सब ख़राब हो गया। मतलब मुझे चाहिए भी नहीं था, वो तो साइड में पड़ा था, अपने आप हो गया था। मैंने एक बार वीडियो में दिखाया भी था आप लोगों को। तो एक तो डेड हेडिंग आप ज़रूर करते रहिए, आप जब डेड हेडिंग करोगे ना तो खूब फूल निकलेंगे। ये देखिए, ये इस मतलब इस वाले प्लास्टिक के पॉट में मैंने लगाया है। ये एक्चुअली ये पॉट जो है ना, ये वर्टिकल वाला है, मतलब इसके ऊपर जितना चाहो आप, इसी के जैसा जितना चाहो आप उतना रख सकते हो। मैं तो खैर इसको सेपरेट करके यूज़ करती हूँ। तो इसमें आप डेड हेडिंग करते रहिए धूप में रख के, और हर मतलब 15 दिन में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र आप देते रहिए अभी, ठीक। ये हो गया। और तीसरी बात आपको मैं बताऊँ, देखिए आप पहले कितनी सारी तो कलियाँ निकल रही हैं, ये देखिए एक ही प्लांट है ये। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा प्लांट इसके अंदर कई प्लांट हो, ऐसा नहीं है, ये पूरा एक प्लांट है। ये देखिए, एक उधर वो कली है, एक ये है। और इसमें आपको अब एक ज़रूरी चीज़ें जो बता रही हूँ वो सुनिए आप, वो आपको ये करनी है, जैसे जो ना नीचे से आप देखो कोई पीली पड़ रही हो, कोई पत्ती, कोई पत्तियाँ ख़राब जैसे सड़ी सड़ी से दिख रही हो ना, जैसे मैं देखती हूँ बताती हूँ फिर। ये देखो, जैसे मान लो ये वाली है इस तरह से, ये ठीक है, ये सब आप इधर से हटा दीजिए। उसका रीज़न आप देखो कि जैसे अब ये कितना ज़्यादा ये बुशी है, मतलब इतना ज़्यादा ये घना हो रहा है। अब इसमें अगर आपने ज़्यादा पानी, हाँ पानी की अगर बात करें ना, तो ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल नहीं पसंद है। हल्की सी अगर मिट्टी आपको जब लगे कि ऊपर से ना सूखी सूखी सी है, सूख रही है, आप तभी इसकी मिट्टी में पानी डालिए, आप इसमें मत डालिए पानी। इसके पत्तियों पे अगर आप पानी डालोगे ना तो ये जल्दी से सूखेगा ही नहीं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा घना है। ये देखिए कितना ज़्यादा है हो रहा है ना ये घना, ये देखो यहाँ एक कली है और दिखी। तो उसमें होगा कि सूखेगा नहीं और फंगस लगेगी, फंगस हमें इसमें नहीं लगने देना है। और मिट्टी में ही सिर्फ इसके पानी डालिए आप, जितनी भी पीली पीली पत्तियाँ हैं उनको सबको हटा दीजिए, ठीक है। और चेक करते रहिए, क्योंकि एक बार ये प्लांट अगर ओवर वाटरिंग से ही ये प्लांट ख़राब होता है, हल्का सा ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट होता है, मतलब उसका मतलब ये हुआ कि
सूखना, हल्की सी मिट्टी सूखेगी ना वो बर्दाश्त कर लेगा ये, लेकिन अगर इसकी मिट्टी गीली गीली रहेगी वो इसको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से केयर करिए। और अब आपको एक चीज़ और बताती हूँ, वो जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस मैंने नोटिस किया इस बात पे कि कई बार क्या होता है कि प्लांट फूल जो होते हैं ना विंटर के जैसे लगाते हैं तो सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से गमले में लगा देते हैं, प्लास्टिक के गमले में लगा देते हैं, या वो जो एक टीन वाले आते हैं, मतलब फोकस क्या रहता है विंटर के प्लांट लगाने का ज़्यादातर मोस्टली लोगों का कि प्लांटर की खूबसूरती देखते हैं उसको। ये तो खैर प्लास्टिक में लगा है, मिट्टी के गमले में आप लगाइए तो 10 इंच से कम में मत लगाइए। थोड़ा सा गमले का साइज़ चौड़ा होना चाहिए, डेप्थ उसकी ज़्यादा नहीं हो, गहराई ज़्यादा नहीं हो, उसका जो मतलब इस तरह से एक फैलाव ज़्यादा हो आपके गमले का, ठीक है ना। क्योंकि ये इस तरीके से ज़्यादा देखिए फैल रहा है। जब लगाया था ना मैंने बहुत छोटा सा एक प्लांट, वही शायद 20-25 रुपए का मैंने ख़रीद के लगाया था, तो आप ये देखो कितना घना हो गया है ये प्लांट और कितना हेल्दी है। पत्तियाँ भी देखिए कितनी कितनी हेल्दी हैं, कितनी अच्छी से मतलब ये बिल्कुल ग्रीन है। तो ये चीज़ करके आप ध्यान रखिए, बहुत छोटे छोटे गमले में आप लगा दोगे ना तो वो बात नहीं रहती है, प्लांट को उतना अच्छा सा न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्लांट जब इतने फूल दे रहा है, इतने फूल दे रहा है तो उसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए होता है। तो बस इसका यही केयर टिप्स है जो भी थी मैंने आपको बता दी। और आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए ये मुश्किल से कितने इंच का पौधा होगा, 2 इंच का होगा या 2 इंच, इसमें देख रहे हैं ना मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड निकल आए हैं। ये तो खैर वो है डेजी है वो वाला। तो चलिए दोस्तों, ठीक लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी मैंने एक बहुत ही छोटी सी चीज़ अपने जैसे कि ये गुलाब है, ये देखिए गुलाब की कलियाँ और बहुत सारी इसमें बेसल शूट भी निकली हैं, और बोगनवेलिया में भी मैंने कुछ दिया है तो उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। मैं बस वेट कर रही थी कि करीब 1 वीक हो जाए फिर मैं इसका रिज़ल्ट देखूँ, मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा लगेगा तो मैं फिर वीडियो शेयर करूँगी। ये देखिए छोटे छोटे से प्लांट है, कितना छोटा है ये भी, एक एक दो दो इंच का हो गया है, सब में फूल आ गया है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।